हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एडी एडिटिंग जोन में। आज हम लोग ब्लूटूथ इफेक्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। देखिए, इस टाइप के कुछ करने वाले हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो बिना देरी किए हम लोग एडिटिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो को हम लोग को स्नैपसीड ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। ऐप के अंदर आने के बाद दोस्तों टूल वाला में क्लिक कर करना है, और टून इमेज को सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को थोड़ा सा माइनस करना है, 17 रख देते हैं। कॉन्ट्रेस्ट को 8 प्लस, सेचुरेशन को प्लस करेंगे 55 रख देते हैं, एम्बियंस को 76 रख दिए, हाइलाइट्स थोड़ा सा माइनस करेंगे 32, शैडो को 5 रख दिए। अब यहाँ से फोटो को हम लोग डन करेंगे। अब इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और फोटो को डायरेक्ट हम लोग को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ऑटो को क्लिक करना है, उसके बाद लाइट्स वाला में जाना है। लाइट्स वाला में जाके हाइलाइट्स को पूरा 100 माइनस, शैडो को पूरा फुल, वाइट को पूरा फुल माइनस कर देना। उसके बाद कलर वाला में जाके वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 30 के आसपास, और सेचुरेशन को माइनस करेंगे 19 माइनस 25 कर दिए। आप मिक्स में जाएंगे, मिक्स में जाने के बाद सेकंड वाला टूल लेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस रख देंगे 35 और लुमिनस 80। इसके बाद हम लोग को फर्स्ट वाला टूल में जाके सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस रख देना है, उसके बाद लुमिनस को फुल नहीं 74 रख देते हैं। उसके बाद ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देंगे 40 के आसपास, 30 को। अब तीसरे नंबर में जाएंगे, सैचुरेशन को फुल माइनस रख देंगे ताकि ब्लैक टोन आ जाए। अब फोर्थ वाला में पूरा सैचुरेशन को 100 माइनस कर देंगे और लुमिनस को 54। उसके बाद वाला टूल में ब्लू वाला में जाके 100 प्लस, उसके बाद लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब यहाँ पे इसके बाद वाला टूल में जाके क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, 66 रख दिए। अब यहाँ से अगर कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद में जाके शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है और डिटेल को फुल रख देना है। नॉइज रिडक्शन में जाके थोड़ा सा 24-27 कर देना है, अब डिटेल को फुल। अब यहाँ से डन कर देंगे, दोनों को ऑन कर देते हैं। अब फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे ऑटोडेस्क ऐप के अंदर। तो ऑटोडेस्क ऐप के अंदर आने के बाद ब्रश वाला टूल में जाना है। ब्रश वाला टूल में जाके 7 नंबर वाला लेना है, स्मूथ वाला जो टूल है इसमें 7 नंबर वाला टूल को लेके फ्लो रेजिस्टेंस को 3-3 रख देना है, साइज को अपने हिसाब से रख के स्मूथिंग करना है। तो चलिए हम लोग स्मूथिंग करते हैं, धीरे धीरे करना है स्मूथिंग, ज़्यादा स्पीड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आराम से करना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा फोटो। तो हम लोग थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो मेरा ये वाला फोटो दोस्तों पहले से ही स्मूथिंग किया हुआ है, तो आप लोग को भी इसे धीरे धीरे करते करते करना है। तो मेरा देखिए दोस्तों ऐसा किए हैं पहले ही,
उसके बाद हम लोग को लेयर वाला में जाके एक गो लेयर ले लेना है, और उसके बाद वहाँ पे अंदर जाके ब्लेंडिंग में जाके सॉफ्ट लाइट ले लेना है। उसके बाद ऐसे कट करके ब्रश में जाएंगे। ब्रश में जाने के बाद ये वाला ट्रेडिशनल में जाके मीडियम ब्रश चूज करके साइज को अपने हिसाब से रखेंगे। ओपेसिटी को पूरा फुल रखना है। उसके बाद हम लोग को कलर वाला में जाना है, और कलर में जाके कॉपिक जो है कॉपिक में ये वाला T10 ले लेना है। ऐसे कट करके सेट में और बैकग्राउंड में मार देना है। तो हम वीडियो को फास्ट किए हैं, आप लोग को धीरे धीरे करते जाना है। तो इतना होने के बाद हम लोग को फोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद इफेक्ट्स में जाके ब्लर वाला को चॉइस करना है। ब्लर वाला में जाके ये वाला ब्लर को लेके यहाँ से रेजर वाला टूल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड को टच कर देना है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ जाएगा। उसके बाद इरेज में जाएंगे। इरेज वाला टूल में आने के बाद साइज को कम करेंगे और साइड में थोड़ा सा इरेज कर देंगे, तभी अच्छे नहीं तो चेहरे वहाँ थोड़ा लग गया है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके अब यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद ब्लर को हम लोग को रखना है 50। उसके बाद यहाँ से अब डन करेंगे। अब यहाँ से 8 फोटो में जाएंगे। 8 फोटो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 फोटो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला में जाना है और स्क्रीन कर देना है, और यहाँ पे छोटा करके साइड में लगा देंगे। उसके बाद बिगनेट को बढ़ाना है और यहाँ से क्रॉप करेंगे थोड़ा सा, साइड में थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको परफेक्टली लगा लेंगे। और फिर से 8 फोटो में जाने के बाद एक लाइट वाला PNG ऐड करना है। तो हम लोग लाइट वाला PNG को ले लेते हैं। तब लाइट वाला PNG को ऐड करके यहाँ से फोटो को टच करके ब्लेंड वाला में जाना है। ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है और इसको साइड से लगा देंगे। तो देखिए फोटो कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो इसके बाद हम लोग को फोटो को यहाँ से डन कर देना है, और इतना करने के बाद फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। इसके बाद टूलेज ऐप को ओपन करके इफेक्ट्स वाले में क्लिक करके सॉफ्ट स्मूथ में चले जाना है। यहाँ पे जाके थर्ड वाला चॉइस करना है, तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा वाला लेके मास्क में चले जाएंगे। मास्क में जाके यहाँ से इरेज कर देंगे, आँखों में जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ वहीं इरेज कर देंगे। इतना होने के बाद फोटो को यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद फोटो को यहाँ से सेव कर देंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।